हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक हंट टू आईटी पर। तो फ्रेंड्स, आज के मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मी वाई का ऑफिशियली मी पायलट रिक्वायरमेंट का फॉर्म निकल के आया है फॉर इंडियन यूजर्स के लिए। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हो तो आपको भी अपने डिवाइस में मी वाई का कोई भी जो अपडेट है वो सबसे पहले देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप यूज़ करते हो रेडमी की डिवाइस, शाओमी की डिवाइस या फिर पोको का कोई भी डिवाइस, तो आपको अपने डिवाइस में अपडेट वगैरह सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपने मेरे टेलीग्राम में देखा होगा कि मैं कोई भी अगर लिंक वगैरह शेयर करता हूँ किसी भी अपडेट के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि मी पायलट रिलीज। तो जो मी पायलट यूज़र्स होते हैं उनको अपडेट पब्लिक यूजर्स से पहले देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी इस फॉर्म को फिलअप करोगे तो आप भी एक मी के पायलट यूज़र बन जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो बेल आइकन है इसे ऑल पर प्रेस कर देना ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर देना, क्योंकि मैं यहाँ भी हर एक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर करते रहता हूँ और यहाँ पर हम डिस्कशन वगैरह भी करते रहते हैं। तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट कर देना ज्वाइन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, यहाँ पर शाओमी वालों की तरफ से ऑफिशियली फॉर्म जो निकला है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है और सेटिंग के बाद आपको देखने को मिलेगा सर्विस एंड फीडबैक। तो यहाँ पर आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर मे पायलट रिक्वायरमेंट का कुछ यहाँ पर शो नहीं हुआ, इसलिए मैंने लिंक गूगल से निकाल लिया है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा कि मी टेस्टर रिक्वायरमेंट फॉर मी वाई इंडियन स्टेबल अपडेट, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर ये जो लिंक है इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप वहाँ से भी इस पेज को विजिट कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, आपको करना है स्टार्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर जाना है एग्री में। एग्री में करने के बाद आपको यहाँ पर ये सब देखने को मिलेगा, तो सब में आपको यस ही करना है। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट करने का, फिर आपको ये सब करना है, फिर यहाँ पर आपको यस करना है, फिर यहाँ भी आपको यस करना है। तो इसी तरह आपको सारे में यस करना है। यहाँ पर आपको करना है 18 ईयर्स ओल्ड एंड अबव, आपको इसमें टिक करना है, फिर यहाँ भी आपको ये सब में टिक करना है। तो सब में यस टिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका जो डिवाइस है वो कौन सा डिवाइस है, शाओमी या फिर मी का डिवाइस है या फिर रेडमी का डिवाइस है या फिर पोको का डिवाइस है। तो मेरा जो डिवाइस है वो है शाओमी L11T5G। तो शाओमी मतलब मी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मी, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। आपका जो भी मॉडल है आप यहाँ पर सर्च कर लेना। तो मैं मी पे जाता हूँ, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा शाओमी L11T, जो कि यहाँ पर मेरा डिवाइस है, और यहाँ पर आपको और भी डिवाइसेस देखने को मिल जाते हैं। तो मैं सिंपली अपने डिवाइस पर सेलेक्ट करता हूँ शाओमी L11T, और मैं यहाँ पर करता हूँ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि प्लीज़ इंटर योर मी आईडी। तो मी आईडी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो सिंपली जाना आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा शाओमी अकाउंट पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपका मी आईडी अगर आपने बनाया हो। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है शाओमी अकाउंट आईडी, आपको इसको एक बार टैप करना है, कॉपी सक्सेसफुली आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, फिर आपको करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्लीज़ इंटर योर EMI नंबर। तो EMI जो नंबर होता है हमारे फ़ोन का वो हमारे बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाता है, या फिर आप एक कोड भी डायल कर सकते हो, जो कोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है *H06H। अगर आप इसे डायल करोगे तो आपके स्क्रीन में दो आपको EMI नंबर देखने को मिलेंगे, दोनों में से कोई भी एक आप यहाँ पर डाल दो और नेक्स्ट कर दो, तो आपका ये पेज नेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर EMI नंबर डालने के बाद आपको करना है नेक्स्ट, फिर यहाँ पर आपको यस करना है, और यस करने के बाद फिर आपको करना है नेक्स्ट। तो गैस, यहाँ पर मैंने सब कुछ फिलअप कर दिया है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पर बीटा जो अपडेट है इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा अप्रूव होने के लिए, उसके बाद हमें अपने डिवाइस में अपडेट वगैरह देखने को मिल जाएगा। लेकिन गैस, अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन में जाना है सेटिंग में। तो सेटिंग में आने के बाद आपको अपडेट वगैरह चेक करते रहना है। जब भी अपडेट वगैरह रिलीज़ होता है तो आपको भी अपने फ़ोन में अगर तुरंत ही अपडेट देखने को मिल जाता है, इसका मतलब आप भी एक मी पायलट यूज़र बन चुके हो। तो आपको अपने फ़ोन में अपडेट वगैरह जल्दी देखने को मिलेगा। कि मी पायलट यूज़र बनने से एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपके फ़ोन में जो अपडेट वगैरह देखने को मिलता है उस अपडेट में आपको बग्स वगैरह भी देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक बीटा अपडेट है। तो बग्स में हमें देखने को मिलता है जैसे कि मदरबोर्ड का इशू, कैमरा डेट का इशू, फ़ोन का फिंगरप्रिंट रिमूव का इशू, और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम हमें अपने फ़ोन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं पायलट यूज़र बनना उतना भी अच्छी बात नहीं है,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन में ढेर सारे बग्स देखने को मिलते हैं जिससे हमारा फ़ोन कई बार डेड भी हो जाता है। लेकिन हाँ, बग्स बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और गाइस, यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है मी पायलट रिलीज, तो यहाँ पर ये जो मैं रिकवरी रोम ओटी अप्लाई वगैरह जो शेयर करते रहता हूँ अपने टेलीग्राम के ग्रुप में, तो यहाँ से आप इन रोम को भी अगर यूज़ करोगे, अगर आप एक मी के पायलट यूज़र हो, तो ये लिंक्स भी आपके फ़ोन में अच्छे से वर्क करेंगे। तो यहाँ पर ये इसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, जो दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको यहाँ पर ये फॉर्म को फिलअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि फॉर्म को फिलअप कर दो, क्योंकि उतने भी ज़्यादा अपडेट में हमें बग्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। कभी कभार कुछ यूज़र को ही देखने को मिलते हैं, सारे यूज़र्स को एक साथ बग्स देखने को नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बगल में जो बेल आइकन है इसे ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।